हाय, दिस इज दिव्या टेस्ट ऑफ गर्ल और आज हम बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर, जो कि बहुत ही आसानी से बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। तो चलते हैं वीडियो में और देखते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए हम एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और 1 टेबलस्पून जीरा, 3 से 4 हरी मिर्च। उसके बाद हम ऐड कर देंगे 1/2 kg प्याज, या फिर आप 7 से 8 प्याज भी ले सकते हो। ये मैंने घर में सबके लिए बनाया था तो उसी हिसाब से क्वांटिटी आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और इसको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे जब तक प्याज थोड़े से सॉफ़्ट नहीं हो जाते। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद हम डालेंगे 1/2 kg टमाटर और इनको भी अच्छे से प्याज के साथ सॉटे करेंगे। इसको हम इस तरह ढककर भी पका सकते हैं। अब 10 मिनट के बाद हमारे प्याज और टमाटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। आप स्पैचुला की मदद से चेक कर सकते हैं, इस तरह आप टमाटर को प्रेस कर अगर वो अच्छे से प्रेस हो जाएंगे तो मतलब वो अच्छे से प्याज और टमाटर पक गए हैं। और इसके बाद हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, जो कि है सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 tbsp रेड चिली पाउडर, 1 tbsp धनिया पाउडर, 1 tbsp कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 tbsp चना मसाला। अब हम सारे स्पाइसेस को प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको सॉटे कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक थोड़ा और, ताकि अच्छे से फ्लेवर्स उसके अंदर आ जाए। और ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर सारा शाही पनीर का जो हमारी ग्रेवी बनेगी उसका फ्लेवर होगा। और इस मिक्सचर को हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इस तरह मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसकी एक प्यूरी तैयार कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह। यह हमने अच्छे से प्यूरी जो प्याज और टमाटर की थी वो ग्राइंड कर ली थी। और इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमें बनाना है, ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत ही क्रीमी और डिलिशियस बने। अब हम उसी पैन के अंदर अपनी प्यूरी को डाल देंगे। इसके बाद हम ऐड कर देंगे 250 ml या फिर आधा क्रीम, अमूल क्रीम का पैकेट, और इसको प्यूरी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर एक बॉयल आने देंगे। और उसके बाद हम ऐड कर देंगे पनीर के क्यूब्स, जिनको मैंने इस तरह ट्रायंगल में कट कर लिया था, और इसको लाइटली बिल्कुल मिक्स करेंगे, नहीं तो पनीर के पीसेस जो हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसके अंदर 1 से 2 बॉयल और आने देंगे, ताकि अच्छे से फ्लेवर्स जो है वो पनीर के साथ मिक्स हो जाए और हमारा शाही पनीर एकदम रेडी हो जाए। आप देख सकते हो ये कितना क्रीमी और डिलीशियस बना है। तो आपने देखा ये कितनी आसानी से बन जाता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।